हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सिंह, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसिंग स्टडी ग्रुप में। अभी हम लोग कक्षा 10 के बहुपद वाले पाठ का आरंभ करने जा रहे हैं। बहुपद वाले पाठ में आज हम लोगों का पहला वीडियो बनेगा और पहला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुपद, बहुपद एक बीजगणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुपद के आधार पर ही आगे का एलजेब्रा इंटर 11 का, 12 का और बैचलर क्लासेस का एलजेब्रा जो है बहुपद के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर बहुपद का कंसेप्ट आपको समझ में आने लगा, चर अचर राशियाँ समझ में आने लगी, सजातीय बीजातीय आपको समझ में आने लगा, तो आपको किसी भी क्लास में पढ़ने में, गणित के विषय में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगा। तो अभी हम लोग बहुपद समझने जा रहे हैं कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद के पहले आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? तो बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक मतलब कोई भी चर और अचर को मिलाकर लिखी गई राशि, जिस कोई भी चर और अचर को मिलाकर लिखी गई राशि, ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो ये एक बीजीय व्यंजक है। फिर आप चाहो तो ये 2x³ + 5x² + 6 या 8 इस तरह से लिख सकते हो। तो ये दोनों बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन यह जो व्यंजक है ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद जो है नहीं है, ये बहुपद नहीं है, लेकिन यह बहुपद है। बहुपद जो है, बहुपद का जो शब्द है ये पॉलीनॉमियल। तो बहुपद जो है पॉलीनॉमियल से बना है। पॉलीनॉमियल में पाली का जो अर्थ होता है ये अपने आप में ही होता है, इसका मतलब ही होता है बहुत। पाली का अर्थ ही होता है बहुत। पाली का अर्थ आप केमिस्ट्री में भी लिया जाता है, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। तो वही पॉली, पॉली पॉली मीन्स बहुत। तो बहुपद मतलब जिस बीजीय व्यंजक में दो या दो से अधिक पद हों तो वो बहुपद होंगे। नहीं, बहुपद नहीं होंगे, बीजीय व्यंजक होंगे। बहुपद कब होंगे? तो कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तब कहलाता है जब उसमें चर राशि का जो घातांक हो वह घातांक जो है एकदम पूरा धन पूर्ण संख्या अगर वह घातांक होगा तो ही वह बीजीय व्यंजक जो बहुपद कहलाएगा। अदरवाइज वह बीजीय व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा, जब उसमें चर राशि का घातांक जो है धन पूर्ण संख्या के रूप में ना हो। तो बहुपद किसे कहेंगे? तो दो या दो से अधिक ऐसे पद जिसमें चर राशि को राशि के घातांक धन पूर्ण संख्या के रूप में दिए गए हों, तो ऐसे ही बीजगणितीय पद को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद का जो सबसे मेन पॉइंट है ध्यान में रखने वाला, वो ये है कि बहुपद बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक या कोई भी पद जो बहुपद के रूप में कब आ जाता है? तो जब उसके चर राशि के घातांक जो धन पूर्णांक में आ जाते हैं तब वह जो है राशि जो है बहुपद के अंतर्गत मानी जाती है, बहुपद के अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद से आ जाता है बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होगा? तो किसी भी बहुपद में निश्चित है उसमें दो या दो से अधिक पद ही होंगे, तभी वो बहुपद है। तो किसी भी बहुपद में जो चर राशियां होती हैं, चर राशियों के जो घात होते हैं, वह घात कैसे लिखे जाते हैं? तो घात लिखने का भी एक सिस्टम से आप लिखें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे हम पाँच लिख दें, फिर यहाँ पे x पे घात यहाँ पे हम एक लिख दें या x लिख दें केवल, तो यह एक उचित तरीका नहीं है। बहुपद में व्यवस्थित कैसे करते हैं? तो बहुपद को उसके चर राशि के घात के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। मतलब घात के या तो बढ़ते क्रम में पदों को लिखते हैं या उसको घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे इसको, यह भी सही है लेकिन इसको सही बहुपद के रूप में लिखें कैसे लिखेंगे? तो हमको लिखना होगा इसे, ठीक है, सबसे बड़ा घात पहले, उससे छोटा घात, फिर वो सबसे छोटा घात। ये डिसेंडिंग आर्डर में, घटते क्रम में इसको उल्टा भी करके लिखा जा सकता है। मतलब ये सबसे पहले मिडिल में या सबसे बाद में। तो बहुपद का लिखने का ये दो विधि होता है, या तो घातों को आप बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में। तो सामान्यतः हम लोग घातों को घटते क्रम में ही लिखते हैं, और इस क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बहुपद के चर राशि पे जो अधिकतम घात होता है उसी घात को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। तो जैसे इस बहुपद का घात 5 है, इस बहुपद का घात भी 5 है। अब जैसे कि x+1, तो यहाँ पे बहुपद का घात बहुपद में x चर है और घात जो है यहाँ पे 1 है, इसलिए इसका घात जो है 1 है। 5, तो इसका घात जब बहुपद नहीं है तो बहुपद के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं 5x⁻⁰, और यहाँ घात जो है क्या होगा? 0 होगा।
तो बहुपद का, बहुपद किसे कहते हैं, क्लियर हुआ। बहुपद का घात क्या होता है, एक क्लियर हुआ। इसके बाद से चलते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार में। बहुपद को हम लोग बांटते हैं दो प्रकार से, एक होता है बहुपद के घात के आधार पर उसका वर्गीकरण, और दूसरा होता है कि उसमें पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, पदों के संख्या के आधार पर वर्गीकरण और चार राशियों के घात के आधार पर वर्गीकरण। घात के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग, तो घात के आधार पर वर्गीकरण में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका एक घातीय बहुपद, एक घातीय मोनो पावर वाले, एक घातीय बहुपद। एक घात वाले बहुपद कौन से होंगे, तो वे सभी बहुपद जिनमें चार राशियों का घातांक एक होता है, जैसे यक्स, यक्स प्लस फाइव, या टू यक्स प्लस सेवन, या ए व्यापक रूप में ए यक्स प्लस बी, ये एक घात वाले पद है। एक चर में भी हैं, और अगर दो चर में आप घात लिखना चाहो तो दो चर का हो जाएगा ए यक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यह भी एक बहुपद है। तीन चर में लिखना चाहो तो तीन चर में भी बहुपद मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये भी है। तो ये एक घात वाले बहुपद हैं जिसमें चर राशियों के घातांक एक हैं, चाहे वह एक चर हो, चाहे दो चर हो, चाहे तीन चर हो। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखीय बहुपद भी कहते हैं, रैखीय बहुपद। एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखीय बहुपद भी कहते हैं। रैखीय बहुपद क्यों कहते हैं, क्योंकि एक घात वाले जितने बहुपद हैं, चाहे एक चर में, चाहे दो चर में, चाहे तीन चर में, एक घात वाले जितने बहुपद होते हैं, सभी बहुपदों की सहायता से हम लोग एक रेखा का निरूपण कर सकते हैं, या ये सभी समीकरण जो एक रेखा का निरूपण करते हैं, इसलिए इस एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखीय बहुपद भी कहते हैं। फिर इसके बाद से दो घात के बहुपद या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद वह बहुपद जिसका घात जो है दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे टू एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ये सब दो घात के बहुपद हैं। इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये व्यापक रूप होता है। अब दो चर में दो घात का समीकरण अगर लिखना हो तो वो एक लंबी प्रक्रिया, बड़े बड़ा समीकरण मिलता है। जैसे ये आपको हम यहाँ पे एक घात वाले दो चर में बताएं, एक घात वाले तीन चर में बताएं, वैसे ही दो घात वाले भी दो चर में समीकरण होता है, दो घात वाले तीन चर में समीकरण होता है। ये इंटर का विषय है, इंटर में आप इसको पढ़ेंगे। अभी एक उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं हम, दो चर वाले में दो घात के समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। तो दो चर में दो घात के समीकरण जो है टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जो है दो घात का एक व्यापक समीकरण। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स का दो घात है, यहाँ वाई का दो घात है, यहाँ भी एक एक्स का एक वाई का मिलकर दो घात है, ये तीनों पद दो घात वाले हैं, ये दोनों पद एक घात वाले हैं, यह पद जो है शून्य घात का होता है। तो किसी भी बहुपद का एक सामान्य समीकरण लिखने की विधि यही होती है कि उच्चतम घात लें, फिर उससे कम, फिर उससे कम, अंत में शून्य घात का लिखें। जैसे यहाँ पे एक्स पे घात एक दो है, यहाँ पे एक्स पे घात जीरो है, यहाँ पे एक्स दो एक है, और यहाँ पे एक्स घात जीरो है, यहाँ पे एक्स घात एक है, यहाँ पे एक्स घात जीरो है। तो उस तरह का ये व्यापक समीकरण है। अब ये एक रेखा का निरूपण करता है, तो स्वाभाविक सा प्रश्न है कि आप पूछ सकते हैं या पूछना चाहेंगे कि यह समीकरण क्या निरूपित करता है। तो यह समीकरण जो होता है, यह समीकरण पांच कॉनिक सेक्शन को, पांच शंकुओं का निरूपण करता है, रेखा युग्म का निरूपण करता है, वृत्त दीर्घवृत्त परवलय और अति परवलय, पांच आकृतियों का निरूपण जो इस रेखा के इस समीकरण से जो है कि प्रदर्शित किया जाता है। खैर, अभी आपका विषय है, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में हम लोगों ने बहुपद को बांटा दो हिसाब से, एक घात के आधार पर प्रकार, एक पदों की संख्या के। तो घात के आधार पर प्रकार में हम लोगों ने दो अभी पढ़ा, एक घातीय बहुपद, द्विघात बहुपद। एक घातीय बहुपद को रैखीय बहुपद भी कहते हैं, घातीय बहुपद का रूप इस तरह का होता है, द्विघात बहुपद का रूप इस तरह का होता है, द्विघात के बहुपद का व्यापक समीकरण इस तरह का होता है। ऐसे ही तीन घात का त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद क्या होंगे, तो त्रिघात बहुपद का जो रूप होगा उसमें एक पद जो है क्या होना चाहिए, एक पद जो है तीन घात का होना चाहिए, बाकी क्या हो रहा है उससे बहुत मतलब नहीं है, तीन घात का एक बहुपद है, ठीक है। अधिकतम घात तीन हो गया, तीन घात का बहुपद है। तीन घात का व्यापक समीकरण लिखना हो तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये तीन घात का एक व्यापक समीकरण है। अभी हम आपको इसके पहले बताया कि व्यापक समीकरण कैसे लिखते हैं, तो एक चर में व्यापक समीकरण ऐसे ही लिखते हैं कि सबसे अधिकतम पावर तीन घात का है तो तीन, चार घात का है तो चार,
फिर इससे कम 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 और अंत में शून्य। यह है ऐसे ही चतुर्घात बहुपद, पांच घात वाले बहुपद, छह घात वाले बहुपद। तो परिभाषा एकदम सिंपल है कि किसी भी बहुपद में चर राशि का घातांक यदि चार है तो चार घात का बहुपद है, तीन है तो तीन घात का बहुपद है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे प्रकार को समझेंगे, किसके आधार पर? पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर हम लोग बहुपद समझेंगे। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। एक मतलब वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, मतलब एक पद हो मतलब फाइव। तो फाइव अभी आपको बताया था इसके पहले, फाइव को एक्स पावर जीरो भी लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब एक पदीय बहुपद हैं। ए एक्स इस तरह का कहीं पद लिखा हुआ तो ये एक पदीय बहुपद है। ऐसे ही द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद तो ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों, फाइव प्लस एक्स या सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, इस तरह के जो बहुपद होते हैं वो द्विपदीय बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पदों से हम लोग द्विपदीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। ऐसे त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद मतलब जिसमें तीन पद हों, बहुपद के तीन पद, घात से कोई मतलब, बहुपद के तीन पदों से त्रिपदीय बहुपद, चतुर्पदी, पंचपदी, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे घात वाला ऐसे ही क्लासिफिकेशन है। लेकिन आपको कहा जाए कि दो घात का त्रिपदीय बहुपद लिखिए, दो घात का त्रिपदीय बहुपद, तो दो घात का त्रिपदीय बहुपद क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस दो घात हो गया बी एक्स प्लस सी, ये जो है दो घात का एक त्रिपदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें दो घात है और इसके तीन पद हैं। ऐसे जो इसे आपसे कहा जाए उतने घात और उतने पद कर दीजिए, वह बहुपद जो उसके उस वर्ग में चला जाएगा उसका वो हो जाएगा। इसके अलावा एक शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिनमें चर राशियों के गुणांक या सारे के सारे गुणांक का मान शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो, ये सभी राशियाँ जीरो हो जाएं, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, इसको हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। वह बहुपद जिसमें सारे के सारे अचर का मान क्या होता है? शून्य होता है, उसे हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद। यह है बहुपद के कुछ प्रकार। इसके बाद हम लोग समझेंगे बहुपद के शून्यक, जीरो इज आप द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक, बहुपद के शून्यक, जीरोज, शून्यक क्या होते हैं? तो शून्यक वे मान होते हैं जिन्हें बहुपद में चर राशि के स्थान पर रखने से बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। जैसे एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक बहुपद है और इस बहुपद है, तो इस बहुपद का एक नाम रख दीजिए, मान लीजिए पी एक्स बराबर ये। अब इसका शून्यक क्या होगा? तो थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ता है इसका शून्यक क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स बराबर एक रखते हैं, तो एक यहाँ होगा और ये सब ऋणात्मक है तो बहुत छोटी राशि हो जाएगी। ऋण एक रखेंगे तो एक और एक मिलके दो ही होगा, इससे भी काम नहीं बनेगा। अब मान लीजिए दो रखते हैं, धन दो, तो दो रखेंगे यहाँ पे तो दो का वर्ग चार होगा, यहाँ पे चार, चार में से दो निकलेगा और फिर ये ऋण छः, तो ये फिर नहीं होगा। ऋण दो रखे तो ये चार, हाँ एक्स बराबर ऋण दो पे देखा जाए p माइनस टू का मान कितना होगा, तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस माइनस टू और माइनस सिक्स, माइनस टू का वर्ग मतलब चार और यहाँ पे हो गया दो और ऋण छः, यानी कि छः ऋण छः यानी कि जीरो। तो इसमें x का मान ऋण दो रखने से पी एक्स का मान शून्य होगा। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं? x बराबर दो, ऋण दो जो है इस बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है, क्योंकि बहुपद में जितने घात होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जिस बहुपद के जितने घात होते हैं उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या जो उतनी ही होती है, तो इसमें एक शून्यक हुआ, अर्थात एक शून्यक अभी और भी बाकी है। तो एक शून्यक बाकी है, तो x बराबर तीन पे देखा जाए, तीन करेंगे तो यहाँ नौ होगा, यहाँ तीन, हाँ x बराबर तीन पर क्या होगा? तो पी थ्री निकलेगा और उसका मान होगा थ्री का क्यूब, थ्री का क्यूब नहीं स्क्वायर, माइनस थ्री या माइनस सिक्स, यानी कि नाइन माइनस थ्री माइनस सिक्स, यानी कि नाइन माइनस नाइन, नहीं फिर जीरो हो गया। यानी कि x बराबर तीन भी इस बहुपद का एक शून्यक है, दो घात का बहुपद है, दो शून्यक निकल गए, मतलब ये दोनों सही है। तो शून्यक क्या होते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल?
जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल के वे मान होते हैं जिन्हें हम बहुपद के स्थान पे, बहुपद में चर राशि के स्थान पर रखते हैं, और तो बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो ऐसे ही राशियों को हम लोग कहते हैं बहुपद के शून्य। अब बहुपद के शून्य का अर्थ क्या है, बहुपद के शून्य का मीनिंग क्या है? तो बहुपद के शून्य का मीनिंग ये है कि जब कार्तीय तल पे हम लोग देखते हैं तो कार्तीय तल पे ये यक्ष अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये मूल बिंदु होता है। तो यक्ष अक्ष के किसी भी बिंदु पे वाई का मान जीरो होता है, वाई अक्ष के किसी भी बिंदु पे यक्ष का मान जीरो होता है। याद रखेंगे, यक्ष अक्ष के किसी भी बिंदु पे वाई का मान जीरो होता है, और वाई अक्ष के किसी बिंदु पे यक्ष मान, भुज मान क्या होता है, जीरो होता है। तो जो बहुपद है हम लोगों का वाई इज इक्वल टू यक्ष स्क्वायर माइनस यक्ष माइनस एक्स, तो यहाँ से वाई के दो मान मिलेंगे, एक मिलेगा हमारा रेड, एक मिलेगा बहु, ये वाई का मान शून्य कब कब होगा, वाई का मान शून्य कब कब होगा, तो एक्स बराबर रेड दो पे वाई का मान शून्य हो जाएगा, और यक्ष बराबर तीन पर भी वाई का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई का मान इस बहुपद के लिए दो बार जीरो हो रहा है। वाई का मान जीरो होने का मतलब कि इसका अगर ग्राफ प्लाट करें, वक्र खींचें, तो वह वक्र जो है इस अक्ष को दो बार मिलेगा, किस अक्ष को, यक्ष अक्ष को दो बार काटेगा, दो बार काटेगा, एक बार कहाँ काटेगा, माइनस टू पे, एक बार काटेगा वो थ्री पे, माइनस टू पे, मान लो माइनस टू यहाँ पे, थ्री यहाँ पे, तो वक्र जो है एक बार यहाँ काटेगा, एक बार यहाँ काटेगा। तो इससे एक निष्कर्ष यह भी निकाला जा सकता है कि बहुपद में अगर बहुपद का ग्राफ दिया है तो बहुपद के सापेक्ष जो ग्राफ मिला हुआ वह ग्राफ यक्ष अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, यक्ष अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, जैसे यह वक्र यक्ष अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, इसलिए यह वक्र जिस समीकरण से लिया गया होगा उस समीकरण में शून्य की संख्या कितनी होगी, दो होगी। मतलब जितने शून्यक होंगे वह वक्र यक्ष अक्ष को उतनी बार काटेगा। जैसे अगर एक बार काटा तो इसमें ये जिसका भी वक्र होगा उसके शून्य की संख्या होगी एक, इसके शून्य की संख्या होगी दो। तो इसको दोनों तरह से समझिए, कोई वक्र यक्ष अक्ष को जितनी बार काटता है उस वक्र उस समीकरण के उतने शून्यक होते हैं, यह भी सही है, या जितने शून्यक होते हैं किसी बहुपद के वह बहुपद अगर उसका हम ग्राफ खींचे तो वह ग्राफ उतने बिंदुओं पर यक्ष अक्ष को काटता है। तो अलग अलग वक्र देख के हम बता सकते हैं कि यह वक्र चाहे जिस के द्वारा भी प्राप्त किया गया हो उसमें कितने शून्यक होंगे। तो किसी भी राशि का यह एक वक्र है, मान लीजिए वक्र है वाई बराबर एफ एक्स का, वाई बराबर एफ एक्स का वक्र है, तो पूछा जाएगा कि इस एफ एक्स में कितने शून्यक होंगे, तो यहाँ पे स्पर्श करके निकल जा रहा है, एक शून्यक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक्स अक्ष को काट रहा है, दूसरा शून्यक यहाँ हो गया, तो आप कहोगे वाई अक्ष को भी काट रहा है, तो वाई अक्ष के कटान बिंदु से हमको कोई मतलब नहीं, किसके लिए, शून्यक के लिए हमको मतलब है, किससे, यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, यक्ष अक्ष को कोई वक्र जितने बिंदुओं पर काटता है उस वक्र के उस ग्राफ के उस समीकरण के उस बहुपद के उतने शून्यक होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक वक्र खींचे, पता नहीं किस समीकरण से निरूपित होगा, वक्र ऐसे मिला अगर एक दो तीन चार पाँच शून्यक होंगे, इस वक्र के पाँच शून्यक होंगे, या वक्र ऐसे खींच दें, जैसे आप वक्र खींचोगे वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का वक्र खींचोगे तो वह वक्र जो है कुछ इस तरह का मिलेगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का वक्र खींचा जाएगा तो इस तरह का मिलेगा। अगले वीडियो में आपको हम वक्र खींचना बताएंगे कि किसे कैसे दिए गए समीकरण की सहायता से या किसी दिए गए बहुपद की सहायता से हम लोग उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, इस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का वक्र जो है इस तरह का मिलता है, मतलब यह वक्र जो है एक दो तीन बिंदुओं पर यक्ष अक्ष को काट रहा है, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे। तो एनसीईआरटी बुक में भी पहला पाठ आप इसमें कर सकते हो, केवल यह गिन के बता देना है कि वह वक्र जो एक्स अक्ष पर जितने बिंदु काटता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे, उसके आधार पर आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। या आप अपने लिए भी याद रखेंगे कि जिस बहुपद में जितने शून्यक होते हैं वह बहुपद का वक्र जो है एक्स अक्ष को उतने बिंदुओं पर काटता है। तो आज की पढ़ाई से ये इंपॉर्टेंटली मतलब एक रिजल्ट के रूप में आप इसको कहीं नोट करके रखोगे कि जिस जो बहुपद यक्ष अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है उसके उतने शून्यक होते हैं, या कोई बहुपद यक्ष अक्ष को अगर जिन जितने बिंदु पर काट रहा है उसके शून्यकों की संख्या समान होती है, शून्यकों की संख्या और यक्ष अक्ष पर काटे गए बिंदुओं की संख्या आपस में समान होती है, इसको आप याद रखोगे। ओके, थैंक यू।